और यहाँ आपको बताएंगे कराची के इलाके कोरंगी में बच्चों की फरमाइश पर वालिद ने घर की चौथी मंजिल पर मुनफरिद वाटर टैंक बना दिया। पानी की टंकी बजाहिर गिरती हुई गाड़ी की तरह महसूस होती है। मजीद देखिए रोज रिजवी की रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, हम आपको मिलवाते हैं कोरंगी नंबर 5 के रिहायशी ईसा से कि इन्होंने अपने घर की हाई रूफ को अपने घर की छत पे पार्क किया है। आखिर इसकी क्या वजह है, हम इन्हीं से ही जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद ईसा है, आज ईसा नाम की वर्कशॉप है मेरा। छोटा बेटा हमीद है और बड़ा बेटा मुस्तफ़ा है। तो इनकी इन्होंने बोला कि पापा कोई नई चीज़ बनाएंगे, तो मैंने बोला अपन टंकी तो बना ही दें तो क्यों ना इसको मैं हाई रूफ की शक्ल दूँ। तो ये मैंने हाई रूफ बनाई है, ये पूरी पानी की टंकी और जिसके अंदर ये शीशे, साइड ग्लास और टायर और लाइटें वो इसकी ओरिजिनल लगी हुई है और बाकी पूरी गाड़ी सीमेंट की बनी हुई है मेरी। और ये पूरी पानी की टंकी भरी हुई है पानी की और मेरे इस्तेमाल में। ये तकरीबन 14 फीट लंबी बनी हुई है और 7 फीट चौड़ी है और 6 फीट गहरी है। तो 3 महीने लगे पूरी कंप्लीट तैयार होने, फुल लाइटें भी जल रही गाड़ी की, ओरिजिनल लाइटें सारी चालू हैं। रात को एक मंजर रहता घूमने का। मोहम्मद ईसा को ऐसी अनोखी टंकी बनाने का ये आइडिया उनके साहबजादों ने दिया। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे ये आइडिया उनके माइंड में कैसे आया। मैंने बोला क्यों ना वो ऐसी कोई चीज़ बना ले जिससे लोग देख के हैरान हो जाए और नाम भी बन जाए। दुकान घर का कोई पता पूछता है तो फिर उसके लिए फिर ये भी आसानी होगी कि हाई रूफ की टंकी बोला, जो भी पूछता है कि घर का आपको बोलते हैं हाई रूफ की टंकी बनी हुई है। वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता, ऐसे ही ईसा ने भी अपने हुनर का इजहार किया अपने घर की छत पे हाई रूफ बनाकर। कैमरामैन अदनान नसीम के साथ उरूज रिजवी, आज न्यूज़ कराची।